हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं मेरी इस न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे गाइस कि लाइव क्रिकेट मैच जो चल रहा होता है उसे यूट्यूब पे कैसे चलाएं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, क्योंकि बार बार मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो बनेगी ये वाली। और ये जिस सॉफ्टवेयर से मैं यूज़ करके लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, आप भी करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करता जाऊं, सेम ही वैसा करते जाना। 3 लाख की वॉचिंग आई थी और 4 घंटे नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग चली थी मेरी। तो वही अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग चलानी है क्रिकेट की और यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इस रूल को फॉलो कर लेना जैसे मैं आपको बताता जाऊँ। और उस सॉफ्टवेयर का नाम आप लोगों के सामने अभी बता देता हूँ। उस सॉफ्टवेयर का नाम है OBS। OBS सॉफ्टवेयर है ये, जिससे मैंने इस लाइव स्ट्रीम को किया था। तो डायरेक्ट हम आप लोगों को OBS पे ले चलते हैं और OBS से ही आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और आप इस लाइव स्ट्रीम जो मैच की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है इसे यूट्यूब पे कैसे चला सकते हो और अपने चैनल पे लगा के और अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम की थी तो फर्स्ट टाइम में ही मेरे 32,000 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद डायरेक्ट मेरे 90,000 हो गए। तो अगर इस रूल फॉलो करके आप भी सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करता जाऊँ सेम वैसे करते जाना पड़ेगा। तो चलो आपको डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट उस OBS सॉफ्टवेयर पे चलते हैं लेके, और कैसे कैसे क्या करना है सेम आप लोगों को बता देते हैं। तो चलो गाइस, तो दोस्तों आ चुके हैं हम OBS सॉफ्टवेयर पे। तो यहीं से हम लाइव मैच को अपने YouTube चैनल पे चलाएंगे। तो आप लोगों को OBS सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है, तो OBS सॉफ्टवेयर एक लाइव स्ट्रीमिंग है जहाँ से आप YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, यहीं से ही की जाती है। तो आप लोगों को बता देते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के सामने इंटरफेस ऐसा सामने आएगा। तो आप लोगों को मैच चलाना है तो आप लोगों को पहले प्लस पे क्लिक, आपके मैंने तो यहाँ पे सीन्स ऐड किए हुए, शॉर्ट्स ऐड किए हुए, इसलिए मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन आपको, आप लोगों को नहीं दिखेंगे ये, आप लोगों को फ्रेश नज़र आएगा बिल्कुल, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को पहले प्लस पे क्लिक करना है और जो भी सीन बनाएगा उस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एज ए सोर्स का, डू यू डोंट हैव एनी सोर्स, क्लिक द बटन लो राइट टू क्लिक एंड टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको ऐड करने के लिए जो लाइव मैच आपको चलाना है वो यहीं पे ही ऐड होगा, देख लो और सीख लो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग सोर्स ऐड कर सकते हो जो आपको मैच की लाइव चलानी है, ठीक है गाइस। तो पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा गूगल पे, हम गूगल पे चलते हैं पहले। गूगल पे जाके आप लोगों को सर्च करना है फैन कोड, जो लाइव मैच चलते हैं जहाँ पे लाइव मैच चलते हैं वहाँ, ये है फैन कोड, यहाँ पे मैच चलते हैं। अगर इसको आपको यूट्यूब पे चलाना है तो आप लोगों को किसी एक मैच पे भी लाइव कर देना है। अभी ये मैच कल चलेगा, आज नहीं चलेगा, लाइव कल चलेगा। तो इसको आपको लाइव पे ऐड कैसे करना है, तो गाइस देख सकते हो, वापस हम OBS में जाएंगे और यहाँ पे सोर्स में जाके हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, विंडो कैप्चर गाइस, विंडो कैप्चर यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। विंडो कैप्चर पे ही जैसे आप क्लिक करोगे, आप क्रिएट न्यू कर रहे हो तो आपको क्रिएट न्यू करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके किया गाइस आपने, जैसे ही ओके किया, इंग्लैंड वर्सेस इंडीज टू टेस्ट लाइव मैच जो हमने गूगल पे खोला था सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे ओपन हो गया। बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन पे जाके और फिट टू स्क्रीन पे कर देना है। मतलब ये हमारी स्क्रीन फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही सेट हो जाए स्क्रीन, तो जैसे यहाँ पे है सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे है, जैसे ही मैच चलेगा ऑटोमेटिकली ही चलने लग जाएगा। नीचे आपकी माइक की आवाज़ आ रही होगी, अगर आपको वेब कैम यूज़ करना है अपना तो वेब कैम यूज़ कर सकते हो, अगर वेब कैम यूज़ नहीं करना, अगर आपको मैच में चलाना है तो मैच भी चल जाएगा और आपको बैकग्राउंड की आवाज़ भी सुनाई देने लग जाएगी मैच की जो चलेगी। तो आप इसको करके मैच में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो, आपकी बैन नहीं पड़ेगा, वैसे बैन नहीं पड़ता इन चीज़ों पे, कुछ स्ट्राइक पड़ते नहीं है। आप लोग इससे अपने लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे लाइव कर सकते हो,
ऐसे मैच करके, बस विंडो कैप्चर करना है, ऐड कर दिया है, विंडो कैप्चर ऐड करते ही इसको लॉक कर देना है बस। और आप लोगों को जो आपके आपको यूट्यूब से है, अब आपको यूट्यूब पे भाई करना कैसे, ये भी है एक, मतलब यूट्यूब से आप लोगों को कॉपी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कैसे ऐड करना है और कैसे करके आप लोग कर सकते हो। तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करके, हम मिनिमाइज करके एक बार इस पर चल के यहाँ पे जाके गूगल पे जाके प्लस यूट्यूब लिखना है। जैसे YouTube आ गया है गाइस, तो आप लोगों को अब लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। आपको गो लाइव पे करना है, यहाँ से जाके गो लाइव पे करना है। आपको है ना एक URL की चाहिए होगी इसके लिए, URL की, जिससे आप लाइव, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ऐसे ही किक कर सकते हो आप लाइव मैच। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ चुके हम यूट्यूब पे, जैसे मैंने किया है, और यहाँ पे स्ट्रीम पे आके लाइव के आपके स्ट्रीम की, ये स्ट्रीम की आपको कॉपी करना है। जैसे ही आपको इस स्ट्रीम को कॉपी करोगे एंड देन बैक आके OBS में वापस आके आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे आओगे आपको चैनल के नीचे स्ट्रीम पे जाना है, स्ट्रीम पे जाके यूज टू स्ट्रीम की है, यहाँ पे अपनी स्ट्रीम की को सर्विस सर्वर स्ट्रीम की को पेस्ट कर देना है, आप लोगों को पेस्ट कर देना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। अब जो मैच हमने लगाया हुआ था, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते और हम इसको चला देते मैच को, जो मैच हमने ये लगाया हुआ है, देख रहे हो गाइस, जो मैच हमने लगाया हुआ है इसको हमें लाइव पे लाना है। तो सेम टू सेम एज इट इज लाइव मैच चलने लग जाएगा। अभी मैच नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ एक इमेज है, लेकिन इसको लाइव पे जैसे ही मैच चलेगा आप लोग इस पे स्टार्ट टू स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे स्ट्रीम टू स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाएगा, बैकग्राउंड में चलना शुरू हो गया गाइस। तो आपके सामने ऐसे ही बैकग्राउंड में चलना शुरू हो गया है, जैसे मैच चल रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो बैकग्राउंड में ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा और ऐसे ही फिर यहाँ से एंड भी कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे ही आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो गाइस, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोगों को सीन क्रिएट करना है। सीन यहाँ से ऐड करके जैसे ही आप सोर्स करोगे, सोर्स में आपको स्टार पे जाना है, प्लस करते ही आप लोगों को विंडो कैप्चर पे जाना है, विंडो कैप्चर पे ही जाके क्लिक करके आपको ऐड कर देना है, और पैन कोड को जैसे बताया है मैंने, जाके आप इसको फैन कोड लिखना और डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। बस यही है वीडियो, इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिया जिन जिनको पता नहीं है। और लॉन्ग टाइम तक आप लोग इसको करके, लॉन्ग टाइम तक करके आप 4-5 घंटे जब भी लाइव स्ट्रीम करो, कोई यूट्यूब नहीं हटाने वाला इस वीडियो को। तो सबसे बेस्ट है ये तरीका, और आप लोग यूज़ करो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी गाइज तो लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरी एक न्यू वीडियो में, मिलेंगे आप लोगों को। चलो बाय।